ध्यान दीजिए, जब हम नोट पैड में कोई शब्द लिखते हैं, या लेटर हो, या क्वेश्चन पेपर हो, या मैसेज हो, नींद आ रही है? सोने का टाइम हो गया, 11 बज गया है, नहीं है? तो जब हम नोट पैड प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में मैसेज लिख चुके हैं, क्या चीज़ मैसेज लिख चुके हैं, उस मैसेज में किसी कारण आपको शब्द जो लिखा हुआ है उसका स्थान पर दूसरा शब्द बदलना चाहते हैं, उसके स्थान पर दूसरा शब्द, एक ही नहीं, एक ही जैसे 10 20 50 शब्द हो। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, इज, ये जो इज है इस मैसेज में कम से कम 10 स्थान तक लिख चुका हुआ है, कितना? 10 स्थान तक। अब इस इज के जगह पर किसी कारणवश जो आपके काम कर रहे हो आया, बोला कि इज के स्थान को मुझे बदलना है, क्या आर, तो आपको क्या करना होगा कि कीबोर्ड में जाते हैं और यहाँ जाकर आप कर्सर से या कीबोर्ड से मिटका के और क्या लिखते हैं, आर। फिर अगला जगह इज लिखा हुआ है तो उसको मिटका कर क्या कहते हैं, आर। अगला जगह मिटकाइएगा फिर लिखिएगा आर। ऐसे आपको लिखने में एक एक मिटका कर उसके स्थान को लिखने में समय ज़्यादा लग जाएगा, लगेगा ना? तो ऐसे स्थिति में मुझे किस ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा? पर नहीं, रिप्लेस, किसका प्रयोग करना पड़ेगा? रिप्लेस। बस समझ में आ, किसी भी शब्द के स्थान पर उसके स्थान पर दूसरा शब्द बदलना चाहते हैं, एक या एक ही जैसे अनेक शब्द हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? रिप्लेस। बस समझ में आ गया, रिप्लेस का प्रयोग उसके स्थान पर दूसरा शब्द बदलना चाहते हैं, एक या एक जैसे सभी को, तो रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। बस समझ में आया कि नहीं? लिखना पड़ेगा रिप्लेस। और देखिए रिप्लेस का प्रयोग कैसे करेंगे, क्लिक, एडिट मेनू में जाना होगा और कहाँ पर क्लिक करना होगा, रिप्लेस, एक बॉक्स खुल जाएगा, क्या खुलेगा? बॉक्स खुलेगा, ध्यान देना होगा आपको, ऐसा एक बॉक्स खुलता है, तो यहाँ फाइंड लिखा रहेगा, यहाँ पर रिप्लेस लिखा रहेगा, बस समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ रिप्लेस, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, कैंसल। बात समझ में आया? तभी हम क्या समझे थे कि इज, इज लिखा हुआ, इज के स्थान पर क्या बदलना है? आर। ये बता लिखना होगा आर, और एक का बदलना होगा तो रिप्लेस पर करेंगे, और जितना जगह इज लिखा हुआ है उसके स्थान पर सोचते हैं कि एक ही बार में आर बदला जाए, तो क्या करेंगे? रिप्लेस ऑल का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गया? वो तीनों ऑप्शन रहेगा ना यार? हाँ हाँ, तीनों रहेगा, ये वो फाइंड नेक्स्ट भी हो सकता है, जोड़ सकता है। अगर दिक्कत होता है आप लोगों को तो कंप्यूटर पर जो हम खोलेंगे ना बॉक्स, तो बॉक्स को उतार लेंगे, बट सेम यही है, समझ में आया? तो हमें जिस स्थान को वाक्य बदलना होगा, एक या एक जैसे सभी को, तो रिप्लेस का प्रयोग हमेशा करेंगे। बस समझ में आ गया कि नहीं? एक एक बदलने के लिए रिप्लेस का प्रयोग करेंगे। हाँ, एक एक ठीक है।
देखिए देखिए अभी हम लोग क्या सीखे, जो मैसेज में एक जैसे शब्द को उसके स्थान पर दूसरा शब्द बदलना होगा तो क्या चीज का प्रयोग करते थे? रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान देना है कि जब हम कोई मैसेज में या एप्लीकेशन में क्या चीज मैसेज या एप्लीकेशन में 10-20 लोगों का नाम लिखा हुआ है या आपके लेटर में ऐसे कोई शब्द लिखा हुआ है कि उसको ढूंढना पड़ता है। कोई आया बोला कि आपका मोहित कहाँ लिखा हुआ है, क्या ठीक इस मैसेज में मोहित कहाँ लिखा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, रीडिंग करना चालू कर दीजिएगा, पढ़ना चालू कर दीजिएगा ना। क्यों? क्योंकि मोहित कहाँ लिखा हुआ है ढूंढना पड़ेगा, कचे यानी आपको इस मैसेज को पढ़ने में 5-10 मिनट तो लग जाएगा। तो कंप्यूटर चलाने के मकसद क्या है कि 10 मिनट के काम आप 1 मिनट में करें? नहीं, कंप्यूटर इसीलिए है ना, ऑफिस में काम हो रहा है, बैंक में काम हो रहा है, 10 लोगों के जो हिसाब किताब दिया जाता था मुनीम काम, जिसे मुनीम समझते हैं, क्या अकाउंटर को दिया जाता था, तो एक ही मैथ को या एक ही डाटा को जोड़ने के लिए 2-3 आदमी काम करते हैं। वो सारा काम 10 आदमी को काम या 2 आदमी को काम कौन कर रहा है आज के डेट में? एक ही है कंप्यूटर। 10 आदमी को कैलकुलेशन करने वाला कम समय में कौन काम कर रहा है? कंप्यूटर। और कंप्यूटर कौन चला रहा है? आदमी चला रहा है। अभी नहीं समझ में आता कहो, समझ लीजिए। आप लोग सरस्वती पूजा के चांदना तहसीलते हैं, तो चांदना तहसीलने के बाद जब पूरी हिसाब किताब हो जाता है तो एक आदमी कैलकुलेटर निकालता है, वो जोड़ेगा तो दूसरे से जोड़वाइएगा ना, तो उतरा चढ़ाव होता है। रीजन क्या है? रीजन तो कहीं फॉल्ट है, लेकिन कंप्यूटर जो है किसी भी डाटा को जो आप दे दीजिएगा वो गलत नहीं करेगा, बट आप गलत कर सकते हैं। बस समझ में आया? तो ये सारा काम करने के लिए कौन है? कंप्यूटर। उसी तरह आपकी एप्लीकेशन में पूरा मैसेज लिखा हुआ कोई शब्द को ढूंढना है तो उस समय किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा? हमेशा ध्यान देना होगा कि मुझे किस ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, फाइंड का। जो मैसेज में सारा टाइप लेटर है या वाक्य, आपको कुछ कोनो शब्द को ढूंढना पड़ेगा, तो हमेशा माइंड में ध्यान रखना होगा कि मुझे फाइंड ऑप्शन का प्रयोग करना है। कंप्यूटर में कहीं भी फाइंड मिल जाए इसके लिए कंट्रोल FB होता है फाइंड के लिए, और रिप्लेस के लिए कंट्रोल H होता है। क्या होता है? कंट्रोल H। तो समझ में आ गया? एडिट मेनू कहाँ फाइंड, वो कहाँ खुलेगा? ओपन बॉक्स खुलेगा, यहाँ पर फाइंड लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? क्या ढूंढना है? मोहित। क्या ढूंढना है? मोहित। आपको देखिएगा एक मैच रहेगा, एम ए मैच, MATCH, एक ऑफ एक डाउन, बगल में आपको फाइंड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एक फाइंड नेक्स्ट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? फाइंड नेक्स्ट। फाइंड मतलब एक, अब फाइंड नेक्स्ट मतलब ढूंढने के बाद और कोई नाम वहाँ है? नहीं समझे? एक तो ढूंढ दिया मोहित, अब देखना है कि और कोई मोहित लिखा हुआ है तो क्या करें उसको? फाइंड नेक्स्ट। समझ में आ गया? चलिए तो ये आप मैच कर लीजिएगा अप में या डाउन में, उसके बाद फाइंड पर क्लिक कर दीजिएगा, ये शब्द का को ढूंढ देगा। समझ में आ गया? फिलहाल से खोलना जानते हैं ना? चलिए ये नोट पैड खुल गया।
अब किसी भी शब्द को ढूंढना है तो पहले आप मैसेज को टाइप करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? मैसेज टाइप करना पड़ेगा. इसलिए टाइप करते हैं कंप्यूटर. ये हो गया. नहीं, चलिए हम इसी को कॉपी कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे. कंट्रोल सी से क्या करेंगे? कॉपी करेंगे. कंट्रोल भी करते जाएंगे, कंट्रोल भी करते जाएंगे. हो गया कॉपी ना, पेस्ट. ये समझ में आ गया ना? आप इसमें कोई शब्द को ढूंढना है. क्या करना है? ढूंढना है. तो ढूंढने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? फाइंड का. एंड को आ गया है. तो आप एडिट मेनू में जाइए ना. है कहाँ? एडिट मेनू में फाइंड पर क्लिक कर दीजिएगा. देखिए ऐसा बॉक्स खुलेगा. इसमें क्या ढूंढना है बोलिए. मान लेते हैं कि पी कहाँ लिखा हुआ है. पी ढूंढते हैं. मैच पर क्लिक कर देंगे. ऑप में या डाउन में? तो ऑप में करते हैं. फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं. देखिए तो ढूंढ दिया का. जो वो फाइंड ढूंढने के बाद फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते चल जाएगा. बा ढूंढना था, खोज रहा है. सबको समझ में आ गया? चलिए एक बार और नहीं समझ में आता फिर आओ समझ लेते हैं. एडिट मेनू में जाना होगा, फाइंड पर क्लिक करना होगा. चलिए हम पी को नहीं ढूंढेंगे, आपके प्रकार के ढूंढेंगे. ए को ढूंढते हैं. ए लिख देना होगा और मैच पर क्लिक कर देना होगा. अप डाउन में कर देना होगा. देखिए ये ढूंढ दिया का. फाइंड नेक्स्ट मतलब अगला एक ढूंढेगा, उसी अगला एक ढूंढेगा. ढूंढ रहा है. सबको समझ में आ गया? ये फाइंड को माने हजारों हजारों के बीच में कोई शब्द को ढूंढना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? ये खोपड़ी में हमेशा याद होना चाहिए ना. कभी ढूंढने की आवश्यकता होगा तो फाइंड का दिमाग लगाएंगे. मेला में गए, एक लड़का वहाँ भुला गया, अलाउंस. हाँ, दिमाग में पहुँचना चाहिए कि अलाउंस कराओ जल्दी. और कोनो ट्रिक की बात है, जीपीएस लगा दीजिए. कहाँ बा ना, पकड़ा गई. हाँ, और अब चलते हैं नेक्स्ट. अगला बार हम बताए थे कि रिप्लेस. जैसे देखिए कि यहाँ पर कंप्यूटर पर सला सुनबसा लिखा हुआ है. सुनबसा को दिल्ली बदलना है, पटना बदलना है. तो जहाँ जहाँ सुनबसा लिखा हुआ है उसको स्थान को चेंज करना चाहते हैं. तो एको का स्थान चेंज करने के लिए या तो दिमाग लगाइएगा, इतना सेलेक्ट कीजिएगा और लिखिएगा दिल्ली. फिर इसको मिटकाइएगा, लिखिएगा दिल्ली. ऐसा ही ना कीजिएगा. तो मुझे मैसेज में ज़्यादा लिखा रहेगा तो एक एक मिटकाने में तो आपको ज़्यादा समय लगेगा. तो क्या करिएगा? उस समय आपको माइंड में घोषणा चाहिए कि नहीं, रिप्लेस का प्रयोग करेंगे. किसका प्रयोग करेंगे? रिप्लेस का. तो चलिए कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं. फाइंड में जाना होगा, रिप्लेस पर क्लिक करना होगा. क्या को बदलना है? सोनवर्षा को. तो पहले जिसको बदलना होगा उसको किस में लिखना होगा? ऊपर वाला. मैंने क्या लिखा है उसमें? फाइंड लिखा हुआ है. फाइंड बॉक्स में क्या लिखना होगा जिसको बदलना होगा? सोनवर्षा. तो सोनवर्षा का मीनिंग गलत लिखा हुआ है, ध्यान देना होगा. मीनिंग गलत है ना. तो जो शब्द लिखा हुआ है सोनवर्षा लिखा है. सोनवर्षा तो सोनवर्षा लिखिए. ठीक है, और यहाँ पर बदल देते हैं बढ़िया से. देखिए सोन वर्षा. नहीं, अब रिप्लेस ऑल करते हैं. देखिए जहाँ जहाँ तंजा साइज को छोटा करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा आप लोग का. तो साइज को छोटा करने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मेट मेनू में जाना होगा, फॉन्ट में जाना होगा. चलिए ये 36 है, यहाँ पर हम क्या करते हैं अपना से लिख देते हैं 30. क्या लिखते हैं? 30. ओके करते हैं. साइज छोटा हो गया. देखिए तो सब बदल गया है. सोनवर्षा हो गया. अब ये सोनवर्षा शुद्ध हो गया ना. अब सोनवर्षा की जगह पर दिल्ली ही बदलना होगा. एक बार देख लेते हैं. फाइंड में जाएंगे, रिप्लेस में जाएंगे. अब देखिए सोनवर्षा जैसा लिखा वैसा ही लिखना होगा. अब इसके स्थान पर क्या लिखना है? दिल्ली.
रिप्लेस एक होता है रिप्लेस ऑल मतलब सब भी रिप्लेस ऑल करते हैं ओके करते हैं हटा देखिए बदल गया तो हमें फाइंड रिप्लेस समझ में आ गया तो यदि आप लोगों की वीडियो और क्लास समझ में आता है तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद।